नमस्कार सरयित्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिगना में चला आश्रम की जमीन पर 7 वर्ष बाद बुलडोजर मिला कब्जा। मिर्जापुर जनपद के छानबे में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर ग्राम पंचायत कुसहा के बोधीपुर में शनिवार की शाम एक सेवा आश्रम ट्रस्ट पर बुलडोजर चलाकर नायब तहसीलदार राहुल मिश्र व राजस्व विभाग व पुलिस बल ने अतिक्रमण हटवाकर पट्टेदारों को कब्जा दिलवाया। बताया जाता है कि कुसहा बोधीपुर में 2 बिस्वा जमीन का आवंटन वर्ष 2014 में आवासीय हरिशंकर सुरेश पारसनाथ अमरेश कुमार के नाम से हुआ था, लेकिन वहां पर महात्मा संत अखंड दास महाराज सेवा आश्रम ट्रस्ट संचालित हो रहा था। आश्रम के अध्यक्ष लाल दास महाराज ने 2 बार पट्टा निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी के यहाँ मुकदमा दाखिल किया था, लेकिन वाद निरस्त हो गया। हरिशंकर आदि ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण होने की शिकायत की थी। नायब तहसीलदार राहुल मिश्र ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसे हटवाकर पट्टेदार को कब्जा दे दिया गया है। इस दौरान राजस्व निरीक्षक देव कुमार सिंह, लेखपाल कन्हैया लाल तथा थाना जिगना प्रभारी अरविंद पांडे के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। जहां सुरेश बिंद ने प्रसन्नता जाहिर की, तो वहीं सेवा आश्रम के अध्यक्ष लालदास महाराज ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से आश्रम के मढ़ा आदि को हटाया गया है, यह कई वर्षों से रहकर पूजा पाठ किया जा रहा था। सदियात्रा न्यूज से आज तो सर्वज्ञ खास खबर, धन्यवाद। क्या मामला था सर? पट्टी की जमीन हमको मिला था 2014 में। किसके माध्यम से आज आपकी ये अवैध कब्जा हटा? सरकार के माध्यम से योगी की, बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार की और दिव्या मित्तल हमारे जिला अध्यक्ष जी की, जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय से। क्या आपसे कभी मुलाकात हुई थी डीएम में? हाँ, जनता दरबार में गए थे सर से, मतलब उन्हीं द्वारा आदेश किया गया। हाँ, उन्हीं द्वारा आदेश किया गया। अच्छा, इस जमीन में कब्जा कौन था? राम लखन सिंह, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। आपके पास इसके अलावा और कोई जमीन? कोई जमीन नहीं है सर। आप भूमिहीन है? भूमिहीन है। कितना रकबा है इसका? इसका 2 बिस्सा है सर। कितने लोग हैं आप लोग? चार लोग। कौन कौन? हम 3 भाई हैं। हाँ, हमारे पिताजी हैं जी। रुकमणी, आज जो यहाँ पे जो अवैध कब्जा हटाया गया, ये आपका पहले इसका पट्टा था? हाँ, पहले से। तो कौन कब्जा था इस पे? राम लगन सिंह, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। आपके पास कितनी जमीन और है इसके अलावा? नहीं, दूर नहीं है। जमीन नहीं है? किसके जमीन में रहती हैं आप लोग? ऐसे ही अवैध जमीन में, जहाँ पाए मरई नहीं लगाई थी, गढ़ी किनारे जी। ठीक, क्या नाम है आपका? लाल दास महाराज उर्फ राम लगन जी। एक आपका आश्रम है, आज वहाँ पे बुलडोजर चला है, क्या मामला था? यहाँ पर ऐसा है कि जोबा सन 94 में महात्मा संत अखंड दास साहब का समाधि हुई जी, उसके बाद उस पर वृक्ष लगाया हमने और जो है बुनियाद बनाई धर्मशाला की। उसके बाद ये इसी तरह से कार्रवाई होती रही, फिर 20 साल के लगभग हम जो है घर द्वार छोड़ के चला गए आश्रम में, महात्माओं के साथ में रहते थे। कितने वर्षों से आप उस आश्रम में रहते थे? 20 लगभग 20 वर्ष समझा, चाहे 1500 समझे गए छोड़। तो वहाँ हम जो है उसके बाद हम आए 15 में यहाँ जी, यहाँ 15 में आए, महात्माओं ने मुझको आग्रह किया, बुलाया तो हम आए जी। आए तो जो यहाँ देख रहे हैं तो लोग कहें कि पट्टा हुआ है, तो हमने जो है उसका 19 में आवासीय पट्टा, हमने 19 में जो है उसको कैंसलेशन के लिए आदेश दिया है मुकदमा जी डीएम के यहाँ जी। और उसके बाद जो है अभी कोई वहाँ से आदेश नहीं हुआ, मुकदमा चल रहा है, फिर भी जो है हमारे साथ जबरदस्ती करके लोग जो है इस तरीके से पेश आए। जिस जमीन में आप जो है अपना आश्रम बनाए हैं और पता चला आपको को पट्टा हुआ है, आपने कैंसिलेशन के लिए दिया भी है और मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर आज ये क्यों गिराया गया? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस पर जो है एकदम सरासर अन्याय है, और क्या धर्म का जो है इसमें वो किया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मंदिर को लेकर के काफ़ी मठ के लिए जो है बड़ा उनका जो योगदान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते भी आज एक आश्रम तोड़ा गया। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े दुख की बात है जी, और हम क्या बताएं, जब साधु महात्मा के साथ ऐसा, क्या कहना चाहेंगे आप योगी आदित्यनाथ जी से? अब योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि प्रभु जो आप महात्मा हुई कि महात्मा अगर उजाड़ा जाए, बिल्कुल घर खत्म किया, और जो बाटे एक अन्य लोगों को मने अच्छी आत्मा को हटा करके बुरी आत्मा को बसाया जाए तो कितना बड़ा कष्ट किया। क्या लगता है कि प्रशासन गलत किया है? प्रशासन गलत किया है और उसके साथ साथ रेवेन्यू विभाग ने गलत किया।
क्या आप फिर से या कोई याचिका फिर से कोई दायर करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे हम करना, कहे नहीं चाहेंगे। हमारे उसमें पेड़ पौधे हमने लगाया है, 15-20 फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। जब आज बुलडोजर चल रहा था तो क्या आपने उच्च अधिकारी से कुछ ऑर्डर कॉपियां मांगा? हाँ मांगा हमने, उन्होंने कहा कि नहीं देंगे, साफ बात। किन से कहा? बिना वारंट के हमसे उन्होंने बोले। किन से आपसे बात हो रही थी? लेखपाल से? नायब तहसीलदार से। जी उनसे आपने कोई प्रमाण मांगा लेकिन वो प्रमाण नहीं दिए? नहीं दिए, इनकार किए और कहे कहें कि हम नहीं देंगे। थाने में है, कहाँ है? दरोगा ने कहा कि हाँ हम दिखाएंगे, कोई नहीं दिखाए, ना दरोगा दिखाए और ना तो जो मटी न तहसीलदार। ठीक।